जय दोस्तों दोस्तों इंडियन एक्सर्विसमैन मोमेंट ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लेटर लिखा है जेएसयूएच और ओआर के रिगार्डिंग वन रैंक वन पेंशन वन और वन रैंक वन पेंशन टू में उनके पेंशन रिवीजन के इक्वलाइजेशन के संबंध में। उन्होंने दोस्तों इस लेटर के माध्यम से क्या क्या मांग उठाई है मैं आपको इसी लेटर के जरिए आपको बताता हूं। आप देख ही रहोगे इंडियन एक्सर्विसमैन मोमेंट के द्वारा लेटर लिखा गया 28 जनवरी 2023 को श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट आप देख ही रहेंगे वेरिएशन इन इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ जेएसयूएच / ओआर। तो यहां पर दोस्तों कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर्स का हवाला दिया गया है और जो है कुछ इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट के लेटर्स का भी यहां पर रेफरेंस दिया गया है और इन्हीं रेफरेंस के आधार पर जो है नीचे लिखा गया है कि जो ओआरओपी की टेबल जारी की गई है डीएसडब्ल्यू के द्वारा या पीसीडीए के द्वारा उसमें जो है कई प्रकार की विसंगतियां हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2013 का लेटर है उसके अनुसार जो है जो ओआरओपी वन रिवीजन किया गया था उसे जो है नोशनल मैक्सिमम स्केल के आधार पर किया जाना था लेकिन उसे 7 नवंबर 2015 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओआरओपी के नोटिफिकेशन के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम 2013 बेस ईयर को लेते हुए जो है पेंशन ओआरओपी के दौरान फिक्स कर दी गई। वो दोस्तों यहां पर लिखते हैं कि जो ओआरओपी वन है और जो ओआरओपी टू है तो उनकी जो है जो टेबल है उनको जो है तुरंत सही किया जाना चाहिए। यहां पर जो है एक आरटीआई का हवाला भी दिया गया है वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। यहां पर यह भी कहा गया दोस्तों कि जो है प्रधानमंत्री जी ने 2015 में फरीदाबाद में जो है अनाउंस किया था उन्होंने जो है एक वन मैन जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया था उस समय जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी की जो है अध्यक्षता में ताकि वो ओआरओपी पर जो भी विसंगतियां हैं उनको जो है दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपे और 2016 में जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल भी कर दी थी गवर्नमेंट को लेकिन गवर्नमेंट ने जो है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी ओआरओपी में विसंगतियां थी उन्हें दूर करने के लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। और यहां पर जो यह भी लिखा गया है कि यू हैड ऑल्सो अनाउंस दैट प्री मैच्योर रिटायरमेंट विल ऑल्सो गेट फुल ओआरओपी। उन्होंने लिखा है कि आपने जो है यह भी अनाउंस किया था कि जो है जो प्री मैच्योर रिटायरी है उनको जो है ओआरओपी का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि जो वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां हैं जो पेंशन में असमानताएं हैं उन पर उनको देखा जाए और निर्देश दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि इसे जो है जो इसकी विसंगतियां हैं असमानताएं हैं इनको जो है जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। और आप इस लेटर में देख रहे होंगे नीचे विद रिगार्ड मेजर जनरल सदवीर सिंह सेना मेडल रिटायर्ड चेयरमैन इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी कॉपी जो है राजनाथ सिंह ऑनरेबल रक्षा मंत्री तीनों चीफ सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू को भी भेजी गई है और इसके साथ में दोस्तों एक टेबल आप नीचे देख ही रहोगे इसको भी भेजा गया है वेरिएशन इन इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ जेएसयूएच ऑन ओआर। अब दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे रैंक दिया है ग्रुप वाई लेंथ ऑफ सर्विस यहां पर दी गई है। इसके अलावा जो है जो ओआरओपी वन में जो 1 जुलाई 2014 को लागू हुई थी तो इसके अनुसार जो इनकी पेंशन यहां पर जो रिवाइज हुई थी वह दिया गया है। ओआरओपी जो 7 CPC में 2.57 को मल्टीप्लाई किया गया था इसके साथ में तो वो पेंशन यहां पर दी गई है और एज पर पीपीओ 2018/19 यहां पर जो है ये दी गई है यानी कि जो 2018-19 में जो मैक्सिमम थी उसको यहां पर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर जो है स्टार मार्क किए गए हैं यानी कि जो है यह कोई प्रमाणित नहीं है ये कोई तथ्यों के आधार पर नहीं है कोई डेटा के आधार पर नहीं है ये केवल जो है एक तरह से जो है आप यहां पर रिमार्क में देख रहे होंगे कि 4195 जो है हर रैंक के जो ओआरओपी वन में उनका रिवीजन हुआ था 7 CPC में हुआ था तो उसके बाद जो है उसमें 4195 जोड़ करके सबके सब रैंकों में जो है इसको मैक्सिमम इनका बना दिया गया है। और एज पर ओआरओपी सेकेंड 20 जनवरी 2023 तो दोस्तों जो इसके अनुसार है जो ये वाला दिया है ये दिया हुआ जो डीएसडब्ल्यू और पीसीडीए ने जो है सर्कुलर जारी किया है तो उसके अनुसार यहां पर दे दिया गया है। एक थोड़ा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं सिपाही एसीपी 2 यहां पर लिखा हुआ है। सिपाही एसीपी 2 का मतलब होता है दोस्तों हवलदार। नायक एसीपी 2 का मतलब अगर देखा जाए तो दोस्तों
होता है नायब सूबेदार, और हवलदार एसीपी 2 का मतलब जो होता है वह होता है सूबेदार। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वैसे यह गलत लिखा हुआ है, बाकी आप भी इस चीज को देख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, हम इस डेटा को यानी कि जो 2016 से पहले रिटायर आए थे और जो है इनका 7 सीपीसी में लगा था, तो हम इसको मिनिमम के तौर पर नहीं ले सकते। मिनिमम जो है जो 2018 में रिटायर आए होंगे उन्हीं को जो है लिया जाएगा, और मैक्सिमम अगर देखा जाए दोस्तों तो मैक्सिमम हम इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि यह जो है ठीक है इंडियन एक्सेसमैन ने 4195, यह मुझे नहीं पता कि यह डेटा कहां से लिया है, 4195 सबके साथ जोड़कर जो है इसको मैक्सिमम बना दिया गया। तो यह भी किसी डेटा के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप खुद ही लगा सकते हैं दोस्तों कि जैसे ऑनरी कैप्टन में आपको सपोज बताता हूं 47,911 यहां पर एक बताया गया है कि मैक्सिमम, लेकिन आपको पता ही है कि 2018 में जो भी ऑनरी कैप्टन 30 साल करके आए हैं तो उनकी जो है पेंशन 38,400 रुपए थी, तो 47,911 हम कैसे ले सकते हैं। हाँ, अगर जो है प्री 2016 का भी जो है जो ऑनरी कैप्टन है 30 साल करके आए हैं, अगर हम उनको भी लेते हैं, उनको हम मैक्सिमम मान के भी चलते हैं, फिर भी यहां पर ये वाला डाटा आएगा 43,716 रुपए। इसलिए दोस्तों ये 47,911 मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसी प्रकार से जो ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी, सूबेदार मेजर का भी, ये सारे की सारी चीजें, लेकिन ये चीजें कुछ डेटा मुझे लगता है जो आरटीआई, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आरटीआई के बेस पर भी हो सकता है कि यहां पर जो है इन चीजों को रखा गया हो। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो लाल मार्क किए गए हैं और माइनस में किए गए हैं, और इसे डिस्क्रिपेंसी दिखाया गया है और माइनस में सारी चीजें यहां पर दिखाई गई हैं, तो मैं आपको दोस्तों यह भी बता दूं कि यह जो है नोशनल फिक्सेशन के आधार पर यहां पर जो है माइनस में दिखाया गया है, लेकिन अगर जो है एवरेज के आधार पर दोस्तों अगर आप इसको इस हिसाब से एवरेज भी करोगे तो सिपाही नायक हवलदार तक तो जो है पेंशन बिल्कुल सही है। तो ओआरओपी के नोटिफिकेशन के हिसाब से देखे जाए तो ये चीजें मेरे हिसाब से कुछ गलत सी नजर आती हैं। हालांकि जो है इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट ने जो है इसको नोशनल जो फिक्सेशन के आधार पर बनाया है वो ठीक है, उनका अपनी तरफ से इस तरह से बनाया गया है, वो बात अलग है। अगला दोस्तों, इसके साथ में जो है एक आरटीआई भी संलग्न की गई है, पीसीडीए नेवी की तरफ से यह बताया जा रहा है, और 16 जून 2019 की आरटीआई यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, और इसमें जो है आरटीआई में ये चीजें बताई गई थी कि इनका जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो ये रैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक। तो ये नेवी के रैंक हैं दोस्तों, लीडिंग सीमैन जैसे कि आर्मी में नायक होते हैं, पीओ आपका जो है हवलदार के रैंक में आ जाते हैं, सीपीओ नायब सूबेदार के रैंक में आ जाते हैं, एमसीपीओ ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट यानी कि जो ये होते हैं यह ऑनरी लेफ्टिनेंट के इक्वलेंट होता है रैंक, यह भी जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट के इक्वलेंट होता है, और जो एमसीपीओ फर्स्ट ऑनरी लेफ्टिनेंट है ये जो है ऑनरी कैप्टन के इक्वलेंट नेवी में जो है ये रैंक रहते हैं। तो इनकी बेसिक पेंशन यहां पर ये दिखाई गई है और मैक्सिमम बेसिक पेंशन यह दिखाई गई है। तो दोस्तों मुझे यहां पर भी जो है कुछ अलग ही सीन नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि जो 2018 में जो भी जो है पेंशन आए हैं चाहे वो ऑनरी कैप्टन ही क्यों नहीं है तो उनको 38,400 रुपए मिलती है, लेकिन यहाँ पर 50,200 रुपए कहां से मेंशन किया गया है, और उसी प्रकार से आप मिनिमम देख रहे होंगे 40,979, तो ये भी कहीं से दोस्तों मैच नहीं करता है। तो ये आरटीआई के रूप में यह जवाब आया है, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि ये किस हिसाब से जो है पीसीडीए नेवी ने दिया है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि अगर यहां पर जो है आप एक हवलदार को भी लेंगे तो हवलदार की जो है मैक्सिमम जो है 32,800 रुपए यहां पर पेंशन दिखाई गई है 2016 से 18 के बीच में। कैसा हो सकता है कि एक हवलदार की मैक्सिमम पेंशन जो है 32,800 बेसिक पेंशन हो। तो दोस्तों जो ये आरटीआई भी है मुझे तो कुछ इसमें डाउट्स दिखाई देते हैं, हालांकि मैं किसी भी चीज का दावा नहीं करता हूं, लेकिन जो कैलकुलेशन मैं देखता हूं तो ये चीजें मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आती है, इसलिए जो है मैंने इस चीज को कहा है। हो सकता है अगर ये आरटीआई बिल्कुल असली है, हो सकता है नेवी में ये चीज हो, लेकिन आर्मी के अंदर दोस्तों जो इनके इक्विवेलेंट है तो उनके साथ में तो ये चीजें मैच नहीं करती हैं। जो भी है दोस्तों, ऑल इन ऑल इंडियन एक्सेसमैन मूवमेंट की तरफ से एक और प्रयास किया गया है प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखकर, ताकि ओआरओपी में जो जेसीओज और ओआर के पेंशन में असमानताएं हैं, विसंगतियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। और यही उम्मीद के साथ मैं यह वीडियो भी यहीं पर समाप्त करता हूं कि सरकार जो है जो भी विसंगतियां होंगी ओआरओपी में
उनको जो है देखेगी और उनको जल्द से जल्द सही समय पर दूर किया जाएगा। वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।